हेलो दोस्तों, मैं हूं पुतंदर और आपने सिनेमैटिक शॉट्स में देखा ही होगा कि मैंने बुलेट स्टैंडर्ड 350 में अपनी नई मॉडिफिकेशंस करी हैं, वही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक में आपको दिख रहा होगा कि ये और बुलेट स्टैंडर्ड 350 से थोड़ा ज़्यादा मस्कुलर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें मैंने डलवाया हुआ है क्लासिक 350 का हैंडल। क्लासिक 350 का हैंडल स्टैंडर्ड के हैंडल से छोटा होता है, जिस कारण बुलेट की बॉडी थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। इसकी टैंकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है बुलेट स्टैंडर्ड से, क्योंकि इसमें क्लासिक 350 का हैंडल बार है। और दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये ग्रिल्स मेटल वाली हैं, प्लास्टिक वाली जल्दी टूट जाती हैं, इसलिए मेटल वाली डलवाई हुई हैं। सब चीज़ों की कीमत आपको बताऊँगा। तो एक मैंने ये डलवाई हुई है फोम, इससे बैक साइड भी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी और मस्कुलर लगती है। और बाकी मैंने पूरी ये मेटल ग्रिल्स वाली पूरी किट डलवाई हुई है बुलेट स्टैंडर्ड में। और देख सकते हैं यहाँ पर भी टेपिंग करवाई हुई है आप देख सकते हैं। वो जैसे कि पुराने बुलेट में थोड़ी सी लाल लाल सी स्ट्राइप्स आती थी, तो इससे भी थोड़ी सी लुक में यूनिक चीज़ आती है। और एक लास्ट चीज़, मैंने इसमें साइलेंसर डलवाया हुआ है, लीगल साइलेंसर जो कि टेस्टेड है। मुझे एक बार पुलिस वालों ने भी रोका था चेक करने के लिए कि फ्री फ्लो साइलेंसर तो नहीं डलवाया हुआ। उन्होंने चेक किया और इसकी आवाज़ से उन्होंने मेरा कोई चलान नहीं काटा। अभी बता देता हूँ इसकी खासियत क्या है। जो स्टॉक साइलेंसर होता है उसमें 5 जालियाँ होती हैं, जिससे उसकी आवाज़ काफ़ी दबी दबी आती है, पर इसमें 2 जालियाँ होती हैं, मतलब 2 फिल्टर्स होते हैं। इसकी आवाज़ ना बहुत ही लाउड होती है, ना बहुत ही ज़्यादा कम होती है। सुनने में बड़ी ही दुख दुख वाली मीठी मीठी आवाज़ आती है। मैं अभी आपको सुनाता हूँ। अभी आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी, इसकी आवाज़ ना ही बहुत ज़्यादा लाउड है, ना बहुत ही ज़्यादा कम है, तो सुनने में बड़ी अच्छा लगता है और लोगों को भी परेशानी नहीं होती। तो आप देख सकते हैं इसका फुल लुक, ये कितना अच्छा लगता है। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर मैट लेमिनेशन भी करवाई हुई है इसकी टैंक पर। आप देख सकते हैं स्क्रैचेस नहीं डाल सकते इस पर, तो थोड़ी सी मैट लुक भी अच्छी लगती है। तो अब ये बताता हूँ मैं इसकी कीमत कितनी है हर चीज़ की। तो ये जो मेटल ग्रिल्स हैं इनकी कीमत है 550 रुपये। बाकी आप किसी मैकेनिक से डलवा भी सकते हैं या फिर खुद भी स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं। और इनकी कीमत होगी 550, अगर 50 रुपये फिटिंग के तो 600 रुपये। और ये लेमिनेशन 150 रुपये की ये लेमिनेशन हो जाएगी किसी भी दुकान से, जहाँ पर थोड़ा सा ऐसी सामान मॉडिफिकेशन वाला होता है वहाँ से भी हो सकती है। और ये भी 50 रुपये में इन्होंने ये स्ट्राइप्स डाली हैं, ठीक है, ये रेड कलर की। और ये फोम है 80 रुपये का, ये फोम है, थोड़ी मस्कुलर लुक देता है पीछे से। और ये ओमेश सुपर फाइन साइलेंसर, इसकी कीमत है 1000 रुपये। बाकी फिटिंग अगर आप करवा लेते हैं या फिर खुद भी फिटिंग कर सकते हैं तो फ्री में ही हो जाएगा। तो हैंडल की बात करते हैं। तो ये है जो क्लासिक 350 का जो यह हैंडल बार है, तो इसकी कीमत है 420 रुपये। बड़ा ही अच्छा हैंडल है, आपकी पोजीशन, सिटिंग पोजीशन बिल्कुल ही स्ट्रेट रहती है इससे। तो अभी आपको बैठ कर दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं। नहीं, जो आम स्टैंडर्ड वाले हैंडल होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, थोड़े चौड़े भी होते हैं, ऊंचे भी होते हैं, उससे आपकी लुक थोड़ी ऐसी पीछे से पीठ झुक जाती है। और मुझे ये हैंडल बार पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला लगवाया है, थोड़ा सा मस्कुलर लुक देने के लिए स्टैंडर्ड को। तो अभी आप देख सकते हैं इसका फुल लुक। तो यही था मेरे बुलेट स्टैंडर्ड का रिव्यू। थैंक यू।